हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने वाली हूँ नींबू का इजी अचार। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने नींबू लिए हैं यहाँ पे और इनको अच्छे से मैंने वॉश कर लिया था और कपड़े से इनको सुखा लेना है आपको। और अब हम इसे धूप में रख देंगे सूखने के लिए, जब तक ये अच्छे तरीके से सूख नहीं जाते। यहाँ पे मैंने 82 नींबू लिए हुए हैं, 82 नींबू लिए हुए हैं। तो इसके हिसाब से मैं आपको क्वांटिटी बताऊंगी कि अचार में कितनी चीज़ें हमें डालनी है, मसाले भी सारी चीज़ें। अब यहाँ पे जो नींबू हैं पूरे सूख चुके हैं अच्छे तरीके से, तो इनमें से जो जिनमें दाग लगे हुए हैं छिलकों पे और जो थोड़े से कटे हुए हैं ऐसे ख़राब से नींबू हैं, इनको हम अलग निकाल के रख लेंगे साइड में। हम यहाँ पे मैंने आधा कप अजवाइन ली है, आधा कप ही मैंने लाल मिर्ची का पाउडर लिया है और आधे से कम मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर लिया है और सफ़ेद नमक लिया है आधा कप और यहाँ पे काला नमक भी लिया है मैंने आधा कप। आप जिस भी चीज़ से नाप रहे हैं उसमें आधा करके आप नापिएगा। अब लो फ्लेम पे मैंने तवे को रख दिया है यहाँ पे। अब जो अजवाइन है उसको हमें थोड़ा सा रोस्ट करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, बस उसकी नमी थोड़ी सी निकल जाए। 30 सेकेंड्स तक बस हम इसे रोस्ट करेंगे। इसे मैंने ठंडा कर लिया था और पीस लिया था मिक्सी में। अब जो स्टेन वाले या ख़राब वाले नींबू हमने लिए थे उन सबका अच्छा उन सबका जो जूस है वो निकाल के हम इसमें एक कटोरे में रख लेंगे। यहाँ कम से कम 15 से 20 नींबू ऐसे निकले थे मेरे जो ख़राब थे थोड़े से, तो उनका मैंने रस निकाल के रख लिया है। ये देखिए ये इतना निकला है नींबू का रस। अब जो बचे हुए अच्छे साफ नींबू हैं उनको हम कट कर लेंगे। आप अपने हिसाब से जैसे भी पीसेस आपको चाहिए उस हिसाब से आप कट कर लीजिए और इनके जितने भी बीज हैं आप वो निकालते जाइए। सीड्स हमें हटाते जाना है और कट कर लेना है इन्हें। ये इस तरीके से इतने नींबू निकले हैं। अब इसमें जितने भी मसाले हमने लिए थे वो सब हम इसमें डाल देंगे। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब ये अच्छी तरीके से मिक्स हो गए हैं। इनको मैं एक ग्लास के जार में डाल देती हूँ। ये जो बर्नी है इसको आप अच्छे से सुखा लें धूप में और उसके बाद ही अचार इसमें डालें। अगर इसमें थोड़ा सा भी पानी रह जाएगा, नमी रह जाएगी, तो अचार ख़राब हो सकता है। अब पूरे नींबू जो हैं वो पूरे बर्नी में हम भर देते हैं। जब नींबू पूरे भर जाएंगे तो हम यही रस जो है ये बर्नी में भर देंगे। इस तरीके से पूरा अचार बन के तैयार हो गया है। नींबू का रस हमें बर्नी में ऊपर तक भरना है।